एचएमटी मेले का आगाज आज से मेहरोली में हो गया। जी हाँ, हमारी महिला टोली एचएमटी का मतलब है शरद उत्सव 2019-2020 मेले का आगाज आज से स्टार्ट हो गया है, जो कि 1 जनवरी तक चलेगा। ये मेला मेहरोली के इलाके में चलेगा और इस मेले का टाइम है सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। मेले की अध्यक्षा ज्योति डंगवाल ने बताया कि हमारी महिला टोली लगातार इस तरीके के कार्यक्रम करती रहती है। पिछले 3 सालों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये 3रा साल है। इस मेले की खास बात यह है कि उत्तराखंड की देवभूमि की संस्कृति से लेकर महिलाओं को अलग अलग विषय पर बताना, उसको लेकर काम किया गया है। इस मेले में हर एक चीज मिलेगी और वहीं बच्चों के लिए झूले खेलने के लिए हर चीज यहाँ पर उपलब्ध है। इसीलिए इस मेले को लगाया जा रहा है और हर स्तर पर इस पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जब महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस महिला टोली में नजर आए। आज दिल्ली के योग माया मंदिर से ये टोली जो है माता की झांकी लेकर फूलों वाली सैर तक जाती है और उसके बाद इस मेले का आगाज आज से शुरू हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं हो या पुरुष, सभी यहां पर पहुंचे हैं और इस मेले और इस झांकी में अपनी साथ दे रहे हैं। तो हम भी उनके साथ साथ रहते हैं और कि उनके कार्य को जो भी सहयोग करें करते हैं।
करेगा। हमारा हमारी कोशिश रहेगी हर बार होगा, इससे भी बड़ा भव्य आयोजन करेंगे। अभी हमारा यहाँ से डोली चलेगी, ये जो हमारी शक्तिपीठ से योग माया मंदिर और ये वहाँ फूलवाड़ी शहर तक जाएगी। उसके बाद जो हम एक भंडारा हमने रखा हुआ है, उसको पूरी मेहरौली हमारे साथ है। बाकी हम चाहते हैं जो हमारी संस्कृति उत्तराखंड की है उसका पूरी तरह से उसको सब लोग उसको फॉलो करें, देखें। उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी है, लोगों को अच्छा लगेगा। उत्तराखंड के अलावा आप देखा जाए तो उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड की चीज़ें वहीं तक सीमित थी उत्तराखंड में ही, लेकिन अब दिल्ली में भी लोग हैं। क्या मांग करते हैं आप सरकार से कि जिस तरीके की जो आपकी फेस्टिवल है उसको महत्व देना चाहिए? बिल्कुल, सरकार से तो हम मांग करी है, सरकार ने खुद देखना चाहिए। हमारा जो हमारी जो संस्कृति के है वो मानवता के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से सर्वप्रथम है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, सब लोग जानते हैं। तो सरकार से भी हमारी मांग है कि हमारी जो संस्कृति है उसको जगह जगह फैलाए और हमें सहयोग करें, चीज के लिए प्रोत्साहित करें। हमारी सबसे पहले मैं जो उत्तराखंड के मैरोली के निवासी हैं उनकी ओर से प्रार्थना करता हूँ कि माँ नंदा देवी सभी उत्तराखंड वासियों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी पे दया दृष्टि उनकी बनाए रखें। और आज मैरोली में जो उत्तराखंड का समाज है, जो हमारी उत्तराखंड की महिलाएं, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, माँ नंदा देवी की डोली यात्रा ये दूसरी तीसरी बार निकल रही है और सभी उत्तराखंड के वासियों के लिए हम माँ नंदा देवी से आशीर्वाद और दया कृपा मांगते हैं। और इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं सभी अपने उत्तराखंडी परिवारों का तहे दिल हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। महिलाओं की टोली में किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम महिलाओं की टोली में HMT को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा समर्थन है हम सारे युवाओं का। और क्या कहते हैं, सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अध्यक्षा चौधरी रघुवाल जी का, जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजन किया। और माँ नंदा देवी हमारी माता है, जिनके एक आंसू से ही पूरा नैनीताल बन गया था, उनकी इतनी कृपा दृष्टि है और धन्य हुई आज मैरोली की धरती, जहाँ माता का आज इस प्रकार से शोभा यात्रा है आज। और लोक माया मंदिर से लेकर फूल वालों की शहर तक माता का भव्य शोभा यात्रा निकल गई यहाँ से। और मैं सभी समस्त क्षेत्रवासियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आप सभी यहाँ आए, कार्यक्रम को सफल आप बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय माँ नंदा देवी। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ अब पुरुष भी जो हैं इस मेले में शामिल हो रहे हैं और महिला जो हमारी महिला टोली है उसका हिस्सा बन रहे हैं। पुरुषों ने कहा कि महिलाओं को हमेशा आगे रहना चाहिए और हम उनके साथ साथ हैं, इस वजह से यहाँ पर भारी संख्या में जो पुरुष हैं वो भी इस टोली में शामिल हुए।